अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के करम से हम बिल्कुल ठीक हैं। और ये क्लिप है, आंटी गई थी सुबह कैलुला जो है चेंज करवाने के लिए, लगवाने के लिए। सो अंकल उनका स्कूल ओपन होने वाले हैं, सो जो चल के स्लीपर्स वगैरह ले लें, सो स्लीपर्स ले लिए आंटी लगन ने, वो आपको घर जाके दिखाएंगे। और ये मार्केट में आंटी ने थोड़ी रिकॉर्डिंग की थी, वो ये है कि सुबह का टाइम है, मतलब सुबह तो नहीं, 1:15 बजे हैं और बारिश का मौसम है, तो बस ऐसा लग रहा है कि सुबह है। और ये मार्केट ओपन का होने का टाइम है, मतलब 12:30 बजे से शॉप्स शुरू स्टार्ट होती हैं खुलना। और आप देख सकते हैं कोई गहमा गहमी नहीं है, कोई रश नहीं है। और मेरी नज़र में सबसे बेस्ट टाइम यही है शॉपिंग का, क्योंकि जब बच्चों के साथ आप होते हों तो ये सबसे बेस्ट टाइम है, तो इसलिए। और अभी जो है अंकल लोग निकले हैं काम के लिए, बस यहाँ से कैलुला लगवाने जाएंगे, क्योंकि कैलुला लगवाना लाजमी है। आप देख सकते हैं शॉप्स अभी ओपन हो रही हैं और रोडों की हालत ऐसी हो गई है बारिश के बाद, बिल्कुल मतलब टूट से गए हैं। और अभी स्टार्टिंग है मार्केट की, खुल रही है मार्केट। एक्चुअली आंटी ने कैलुला चेंज करवाया इसलिए क्योंकि उनको चुभ रही थी सुई बहुत ज़्यादा, नहीं डॉक्टर ने उनको मना किया था, आपने कैलुला रिमूव नहीं करवाना। और आप देख सकते हैं रोडों की क्या हालत है, कहाँ कहाँ पानी जमा हुआ है, और बहुत डेंजर होता है, इलेक्ट्रिकल वायर्स भी नीचे गिर जाती हैं और बहुत नुकसान होता है जानों का भी मालों का भी। और बस आप देख सकते हैं ये ई कॉम्प्लेक्स स्कूल है और कॉलेज है, स्कूल भी है, स्कूल आई थिंक मेन रोड पर है, ये कॉलेज है। और आंटी लोग शायद यहाँ से जा रहे हैं धोबी के पास कपड़े लेने के लिए, और धोबी की जो है शॉप बंद थी इसलिए अब वो हॉस्पिटल जा रहे हैं कैलुला चेंज करवाने के लिए। और यहाँ पे देखें पौधे जो है उग गए हैं बारिश के पानी की वजह से, और यहाँ रोड कहीं कहीं रोड साफ़ है, कहीं कहीं जो है पानी जमा हुआ है, और मौसम बहुत ज़बरदस्त है। और इस साइड भी जो है पानी कहीं कहीं जमा है, और ये हुए हैं स्टील लॉन में एंटर। और यहाँ पे देखें कितनी जो है ग्रीनली हो गई है, एक तो स्टील लॉन की बात बहुत अच्छी है, यहाँ पानी नहीं रुकता, और दूसरी बात जो है पौधे जो है ग्रीन ग्रीन जो है बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं, और फ्रेश हो जाती है हर चीज़। पर इस बारिश से लोगों का नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है, बस अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। और ये है हमारी स्टील लॉन की इमाम बारगाह, सबसे बड़ी स्टील लॉन की इमाम बारगाह है, और बस अल्लाह जो है इसी के सदके आंटी को सेहत और तंदुरुस्ती दे। और जो ये है हमारी एरिया, माशाल्लाह देंगे कितनी ग्रीनली है और बहुत ज़बरदस्त है, पर अब जो है यहाँ पे ख़ास सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। आंटी ने जो है कैलुला लगवा लिया है, और मैंने धोए कपड़े जो ड्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे रख दी, क्योंकि बारिश का मौसम था, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, सो इसलिए यहाँ पे उतार के रख दिए, जो ड्रायर किए थे ऐसे ना मज़ीद गीले हो जाते। पंखा चला दिया, कुछ कपड़े ऊपर हैं कुछ नीचे रख दिए फैला के ताकि सूख जाए, क्योंकि 12 दिन के कपड़े हो गए थे, अगर आज नहीं धुलते ना तो बहुत, एक तो बारिश की वजह से स्मेल हो जाती है कपड़ों में, और बच्चे हैं घर में तो कपड़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्या करें। और बस अंकल बैठ रहे हैं जी, फायज़ा भी आ चुकी है सफाई के लिए, क्योंकि मासी भी 3 दिन के बाद आई है, सैटरडे को वो काम कर गई थी, मंडे ट्यूसडे वेनसडे। और यहाँ पे जो है फातिमा लगा रही है शिकायत बाबा को कि पापा ने मुझे मारा है, असल में फातिमा मुसलसल ज़िद कर रही थी बेवजह, पता नहीं कौन सी बात पर मुझे याद नहीं आ रहा, पर अरसा ने थोड़ी सी हल्की सी हाथ लगाया तो ये रोने लग गई और बता रही अंकल को इसने मुझे यहाँ मारा, हत्ता कि मारा हल्का ज़्यादा, वो रो रही है अंकल को शिकायत लगा रही है। और ये फायज़ा है हमारी मासी की नवासी, जो उनके साथ काम करने आती है, बहुत अच्छी बच्ची है। और बस किचन में चलते हैं, किचन को साफ़ करते हैं, क्योंकि नाश्ता सबने देर से किया है तो खाना भी देर से ही सब खाएंगे, पहले सफाई हो जाए, क्योंकि बहुत गंद हो गया था बारिश की वजह से, थोड़ी धूप निकले तो जो स्मेल है बारिश की वो रिड्यूस हो। क्योंकि मैं अपनी कज़न के घर गई थी तो उसने भाई अगरबत्ती जलाई हुई थी, मैंने कहा क्यों जलाई है, वो कह रही है बारिश की जो बदबू है उससे, पर अगरबत्ती से तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जिनको अस्थमा है उनके लिए, और हम घर में नहीं जला सकते। और मासी बस जाने की तैयारी कर रही है। और ये रहे स्लीपर्स, आंटी ने बोला आके देखो जो मैं लेकर आई हूँ घर, मतलब स्कूल के लिए, क्योंकि आंटी जो है लाइट किस्म की चप्पलें पहनती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनको प्रॉब्लम है बोन्स की, तो उनको इजी चप्पलें हैं और स्कूल में तो ज़्यादा इजी चप्पलें ही होनी चाहिए। और शायद स्टेप 2 से लेकर आई, मैं स्टाइलों से लेकर आई हैं, पर आंटी कह रही मैं वहाँ नहीं गई थी, वहाँ स्कूल के लिए ना वैरायटी नहीं थी, सारी फैंसी वैरायटी थी। अब ज़ाहिर सी बात स्कूल में बंदा फैंसी शूज़ तो नहीं पहनेगा। और ये फर्स्ट जो है स्लीपर रजवा ने कहा मैं खोलूँगी, बहुत अच्छा है इसका जो टेक्सचर बना हुआ है, बहुत अच्छा है और लाइट वेट में है, लग इसीलिए कि बहुत हैवी है पर ऐसा नहीं है, जब मैंने इसे हाथ में लिया तो ये बहुत लाइट है, आप देख सकते हैं।
बहुत अच्छा कलर है, हर सूट पर चल जाएगा। ब्राउन कलर एक ऐसा वाहिद कलर होता है जो हर सूट पर चल जाता है। और फातिमा कह रही मैं पहन के देखूँ, मैंने कहा चलो पहन के देखो साहिबा। बच्चों को बड़ा कौन सा पता नहीं शौक होता है बड़ों के स्लीपर्स पहनने का। और अब आंटी को कह रही कि आप पहन के दिखाओ, पीछे से आप देखें कितना अच्छा बना हुआ है। बहुत कम जो है सैंडल्स इस तरह होती हैं, जब बना होता है टू स्टेप और जो है स्टाइल, उनके स्लीपर्स बहुत अच्छे हैं। और ये दूसरा स्लीपर है और ये जो है मेडिकेटेड है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इस पर, क्योंकि जिनको बोन्स का इशू होता है, जो शुगर पेशेंट होते हैं, उनको डॉक्टर अक्सर जो है मेडिकेटेड स्लीपर जो है प्रेफर करते हैं। और ये भी पहन के देखिए कि भाई मैडम फिर अप्रूव होगा कि सही है या गलत है। और अब जो कह रही है देखें, अब आप पहन के दिखाएं, आंटी को देंगी कि आप पहन के दिखाएं, मुझे चेक करवाएं, यहाँ से ऑफिशियली सही होगा तो जो है आंटी पहनेंगी। आंटी कह रही है मुझसे नहीं हो रहा, मैं सुस्त हो गई हूँ, कह रही नहीं इसको पहन के दिखाओ और अच्छा लग रहा है। देखिए माशाल्लाह आंटी के पाँव पे। बस आपसे रिक्वेस्ट है आंटी की सेहत के लिए दुआ करें, हम सब खुद बहुत परेशान हैं, अपसेट हैं, पर देखें तब भी डेली व्लॉगिंग आपको दे ही रहे हैं हम लोग कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो देखें लाजमी। सो प्लीज़ इस चीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइबर बढ़ाएं, इस कंडीशन में भी आपको व्लॉग्स मिल रहे हैं डेली के वो भी। सो प्लीज़ प्लीज़ स्पेशली दुआ ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ प्लीज़ जो है आंटी के लिए स्पेशल दुआ करें। काफ़ी लोगों ने दुआएं की हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बस दुआ में हमेशा याद रखा करें। अभी पूरी जांच पड़ताल हो रही है चप्पल की। मैंने अजवा को बोला सो बोलो मुझे दे मैं रखूं, पर नहीं, इन मैडम की पूरी जांच पड़ताल होगी फिर रखेंगी, हर चीज़ चेक कर रही है भाई हर चीज़। और उस रूम में मैंने पंखा चला दिया ताकि कपड़े वपड़े सारे ड्राई हो जाएँ। और बस अभी साहिबा जब चप्पल लेंगी तो मैं रखूँगी, मुझे और भी बहुत काम है, पर ये दे ही नहीं रही, इसको कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अम्मी लोग आ गए थे आंटी से तबीयत पूछने के लिए, भाई हैं, अबू तो हैं, अबू ने माशाल्लाह अपना बिज़नेस स्टार्ट किया तो वहाँ बिज़ी थे, इसलिए अम्मी और भाई आ गए थे। और भाई जो है अंकल से गपशप लगा रहे हैं, अंकल जो है आंटी को ट्रिप लगा रहे हैं, मैं और अंकल मौसमी डॉक्टर्स बने, मैं नर्स, अंकल डॉक्टर। सो क्योंकि कैलुला लगाने का यही मकसद है कि हम लोग इजीली ड्रिप घर पे लगा सकें, बार बार हमें हॉस्पिटल में जाना पड़े। सो ये देखिए अंकल ने पूरी चीज़ें प्रिपेयर कर दी और एक विजिटर आए, जी जी बिल्कुल सही है हमारे डॉक्टर साहब। आपकी सही से कर रहे हैं, देखभाल सही कर रहे हैं जी? और ये गोद में उठाओ, ये सारे लोग आ जाते हैं, ये सब डॉक्टर्स हैं यहाँ पे चेक करने। अजवा डॉक्टर हैं, नर्स हूँ, नर्स। अच्छा कह रही मैं नर्स, ये कह रही मैं भी हूँ, आप कौन हो? ये डॉक्टर, ये जो ब्लॉकेज होती है तो उसे खोला जाता है, ब्लड की ब्लॉकेज होती है ना। इसमें थोड़ा वाटर लेकर इसको ओपन किया जा रहा है।